है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर वीडियो। तो गाइस, प्लान नहीं था कि मैं आज ब्लॉगिंग करूंगा, तो अचानक इधर ही टहलने आया था, मतलब रोड में दंतेवाड़ा के, तो अचानक प्लान बना कि एक ब्लॉगिंग किया जाए। तो हम आपको ले चलेंगे दंतेश्वरी मंदिर में, मंदिर में तो नहीं, बाहर तक दर्शन करवाएंगे। आपको बता दूँ कि मैं जिस मतलब मेरा होम स्टे वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, तो बनी रहिएगा लास्ट तक, बहुत मज़ा आएगा। तो पीछे से मतलब ब्राइटनेस आ रही है ना, मेरे फ्रंट कैमरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो माफ़ी चाहूँगा, उस और ध्यान मत जाए आपका। तो भाई साहब, आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा का पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, तो आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दंतेश्वरी मंदिर का नज़ारा है, जगमगाते लाइट्स, बहुत कुछ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो दंतेश्वरी मंदिर का नज़ारा, अभी तो नाइट्स है, अभी लाइट भी लगे हुए हैं, तो अच्छे क्लियर से नहीं दिख पाएगा। तो कभी डे में हम आपको दंतेश्वरी मंदिर तक ले चलेंगे, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आप देखिएगा। तो हम डंकनी नदी तक आए हैं, तो दंतेश्वरी मंदिर तक भी चलेंगे, तो हमारे इस ब्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा। यहाँ अंदर जाने के 3-4 गेट हैं, आप इस गेट से जा सकते हो, बरगद के आगे और 3 गेट हैं, वहाँ से भी जा सकते हो। तो हम चलते हैं बरगद के पास वाली गेट से। वैसे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ाते गए, मतलब दंतेश्वरी के द्वार में पहुँच गए। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर में। मंदिर मतलब अंदर तो इंटर नहीं कर पाऊंगा, बाहर में जो भी सीन होगा उसी को दिखाऊंगा। बहुत सुंदर नज़ारे भाई साहब, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, सभी तरह की यहाँ पर लाइट्स लगे हैं। किलोमीटर दूर चलने के बाद मेरे काफ़ी थकान लग चुकी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहा हूँ। तो भाई साहब, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे का सीन आगे देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि कोविड के कारण यहाँ पर लास्ट 2 साल से ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है, मतलब सीमित मात्रा में हो रही है भीड़। तो भाई साहब, जितना मतलब करीब पहुँच रहा हूँ ना मंदिर के, उतनी अंदर से अलग ही फीलिंग आ रही है, और आप देख सकते हैं चीज़ अच्छी लगी। यहाँ पर दंतेवाड़ा ज़िले के जो भी पर्यटन स्थल के वहाँ के यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं, दंतेश्वरी मंदिर, ढोलकल पर्वत, जितने भी दंतेवाड़ा ज़िला में टूरिज्म प्लेस है ना, पूरे के पूरे यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। अभी सही है, अभी लिखा है दंतेवाड़ा पर्यटन स्थल, दंतेश्वरी मंदिर, ढोलकल पर्वत, पुलपाड़ जलप्रपात, ढोलकल ट्रेकिंग, सॉरी माफ कीजिएगा। तो हम इंटर गेट की तरफ आ चुके हैं, और अभी यहाँ तो मैं इंटर नहीं कर सकता, यहाँ इंटर करता हूँ तो भी मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एवं सेल्फी लेना मना है, मतलब उल्लंघन करने पर 1000 जुर्माना। दोस्तों, मैं अभी आपको अंदर की ओर नहीं ले जा सकता अभी, क्योंकि रात हुआ है, और मेरे का ये व्लॉग अचानक वाला है, आप भी देखिएगा और देखते रहिएगा। मैं घुसता हूँ तो भी यहाँ पर वीडियोग्राफी और सेल्फी लेना मना है भाई, 1000 नहीं भरना मेरे को, तो काफ़ी सही है। तो यहाँ के कर्मचारी से पता कर लिया हूँ कि मतलब ये पोस्टर लगा है, मतलब मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, मतलब इसके अंदर कर सकता हूँ। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, और जो मंदिर है ना, मेन मंदिर, उसके अंदर का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छे नज़ारे यहाँ पर देख सकते। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर फाइनली इंटर कर चुका हूँ, और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ब्राइटनेस आ रही है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये
यहाँ दोस्तों यहाँ पर हमें कपल्स दिख रहे हैं तो काफ़ी सही है। यहाँ दोस्तों अभी नवरात्रि का समय है तो यहाँ पर कुछ लोग ही दिख रहे हैं तो आप देख सकते हैं अच्छे लाइट्स मतलब अच्छी सजावट है यहाँ पे। रुको कितना खींचना है, चार पांच? अरे हो गया यार, पांच हो गया ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर एक कपल्स मिले थे जो कि यहाँ पर मेरे को फोटो क्लिक करने बोले, यही है दो कपल्स, काफ़ी सही है आप देख सकते हैं। मैं उनको बोला कि आप भी इस वीडियो में आओगे करके, भाई साहब लड़की इतनी डर गई थी बता नहीं सकता मैं आपको। एक बात आपको बता दूं कि मतलब मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है तो, या फिर फाइन भर सकते हो अगर उल्लंघन करते हो तो। अब यहाँ से हम लेते हैं विदा और चलते हैं अपने घर की ओर। दोस्तों मेरे को पीछे गेट से जाना पड़ेगा, मैं जिस गेट से आया था वो अभी लॉक हो चुकी है, तो यहाँ के कर्मचारी से पूछा कि एक पीछे से गेट है वहाँ से आप जा सकते हो, तो वहीं से चलते हैं अपन। भाई साहब एक गेट भी बंद है तो चलिए चलते हैं। जिस टाइम मेरा घर जाना था उतना ही टाइम गेट लॉक होना, मतलब समझ रहे हो ना। भाई साहब यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ मैं फंस गया हूँ। चलो कोई ना, निकलेंगे यहाँ से। तो भाई साहब डर 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 लगता है इधर से गेट है। तो भाई साहब यहाँ की सुकून मिल गई है तो स्टेयर्स उतरना पड़ रहा है। तो भाई साहब फाइनली हम चलते हैं, अभी रात के 11 बज रहे हैं और इस सुनसान जगह पे रहना खतरे से खाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों वीडियो को यहीं पे हिंट करते हैं, जितना भी हो गया मैं सारा कुछ दिखा दिया हूँ, मतलब मंदिर के अंदर इंटर नहीं किया हूँ और कुछ दिन बाद करूँगा इंटर, तो उसकी भी वीडियो आएगी। और अभी तो नाइट वीडियो है, नाइट ब्लॉग बोल सकते हैं प्रकार से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मेरे सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किए तो लिंक आ रहा है नीचे, वहाँ जाके फॉलो कीजिए। आई एम ऑल टाइम एक्टिव इन माई सोशल मीडिया, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम, जाओ।